मॉनसून के समय पर आने की संभावना जताई जा रही है। फलस्वरूप किसान खरीफ की तैयारी में जुट गया है, परंतु बढ़ती महंगाई का असर बीजों पर दिखाई दे रहा है। खर्च बढ़ने से किसान भी चिंता में डूब गए हैं। खाद की कीमत इसके पहले ही बढ़ी थी, अब बीजों को भी महंगाई का तड़का लग गया है। वर्तमान में सोयाबीन के बीज के एक बैग का मूल्य 500 से 1000 रुपए तक बढ़ गया है। बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते सर्वत्र महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। युद्ध कहां और महंगाई कहां, यह सवाल उपस्थित हो रहा है। इसमें अब खेती बाड़ी के लिए लगने वाला खाद और बीज भी महंगे हो गए हैं। सोयाबीन बीज के एक बैग की कीमत में करीब 500 से 1000 रुपए तक वृद्धि हुई है। किसान खरीफ में मुख्य सोयाबीन की ही खेती ज्यादा करते हैं, इसलिए वे बारिश पर ही निर्भर हैं। इसमें बारिश कम होना अथवा मानसून देरी से आने पर किसान पर दोबारा बुआई की नौबत आ जाती है। पहले ही गत वर्ष खरीफ मौसम में अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि से सोयाबीन सहित अन्य फसलों का काफी नुकसान हुआ है। लागत खर्च भी नहीं निकल पाई थी। इस स्थिति में पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल सहित खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि होने से आम जनता त्रस्त हो गई है। अब बीजों की कीमतें बढ़ने से किसान भी चिंता में डूब गए हैं। उल्लेखनीय है कि खाद तथा बीजों का मूल्य बढ़ाने का अधिकार कंपनी को है, परंतु किसी को उसी के माल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। दिन प्रतिदिन उत्पादन खर्च बढ़ता जा रहा है, खेती करना किसानों के लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए सोयाबीन को औसतन 12,000 रुपए गारंटी मूल्य देने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।